भाई भाई गरीबी दोस्त विक्की भाई उन्होंने इतना सब कुछ दिया उनके जाने से हर कोई सकते हैं सर मेरा तो नीतीश कौशिक ने मेरे सिर्फ दोस्त हैं 45 साल से मेरी आदत इसलिए है कि रोज़ सुबह हम बात करते थे 8 बजे और उनके बारे में ऐसे दिए में बात करना भी अपने आप में एक अजीब सी भावना है अजीब सी फीलिंग है मुझे रात को 2 बजे मेरे डोमेस्टिक हेल्प ने उठाया और मैं सोया हुआ था तो उन्होंने कहा सतीश जी तो मुझे लगा सतीश जी रात को 2 बजे घर आए मैंने कहा बिठाओ मैं आ रहा हूँ फिर उन्होंने कहा कि नहीं सतीश जी चले गए तो मेरे परसों तो घर पर आए थे मेरे बर्थडे पे रात को खाना खाने और बड़ा मुश्किल है ऐसा दोस्त मिलना ऐसा इंसान मिलना अभी तो हम सब सदमे में हैं मुश्किल है इस बात को कितने साल लगेंगे ये महसूस करने में कि वो नहीं है मैं July 75 में उनसे मिला था जब वो ड्रामा स्कूल में मेरे क्लास पे मेरे बेंच पे बैठे थे और परसों रात तक हम साथ में थे कल शाम को मेरी उनसे 8 बजे बात हुई और उन्होंने कहा मैं कल आता हूँ फिर मिलते हैं और क्या बोल सकते हैं जो दोस्त होता है वो कभी कभी रिश्तेदारों से ज़्यादा करीबी होता है आप रिश्तेदारों से शायद अपने भाइयों से माँ बाप से वो बातें नहीं करते हैं जो दोस्त से करते हैं क्योंकि दोस्त को आप अपनी असफलता के बारे में अपनी सफलता के बारे में अपने हार्ट ब्रेक्स के बारे में और दोस्त जो हैं वो सहारा होते हैं और वो सहारा जो है वो आज एक वो नहीं एंड ये वो उनकी जगह कोई भर नहीं सकेगा बतौर एक्टर बतौर कलाकार उनके जैसा उनका जैसा कलाकार नहीं उनके जैसा प्रोफेशनल नहीं एंड मैंने वैसा हंसमुख इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा बात बात पे वो अपनी फेलियर पर हंसते थे ज़िंदगी के हर ट्रेजडी को वो मजाक में लेते थे सो देश ने आज एक अच्छा इंसान खोया बेहतरीन कलाकार डायरेक्टर प्रोड्यूसर और मैंने अपने जीवन का एक अंग खोया आपसे मुलाकात हुई थी उनकी आप कह रहे हैं एक दिन पहले क्या बात कर पा रहे हैं आप लोग उनसे लगातार कांटेक्ट में हैं क्योंकि आगे की प्रक्रिया आप लोगों को मिलकर करनी है दिल्ली में है दिल्ली में बिकॉज ही इज अ नोन पर्सन तो उनका पोस्टमार्टम होगा और अभी वो हॉस्पिटल में है वहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद कोशिश है कि वो एयर एम्बुलेंस से यहाँ लाए जाएंगे और अगर सूर्यास्त नहीं हुआ तो आज ही उनका हम मतलब शशि जी और उनकी जो बेटी है वंशिका से पूछकर उनके परिवार वालों से पूछकर उनके बड़े भाई से पूछकर उसका इंतजाम फिर आज करें हाँ सर आपकी 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि आपके बर्थडे पे खाना भी खाने आए थे क्या इस दौरान कोई इस तरह प्रॉब्लम थी नहीं नहीं कोई अचानक से हार्ट अटैक अचानक ही आता है हार्ट अटैक अचानक होता है दैट मेडिकली आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द डेथ मेडिकली मैं नहीं जानता बट इट इज द कॉज ऑफ द डेथ टोल्ड टू मी इज हार्ट अटैक अनुपम सर आपकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी शुरुआत से लेकर सफलता के मुकाम तक जिस तरीके से खट्टी मीठी आप लोग की यादें हैं और जब भी आप लोग पब्लिक इवेंट पे आते थे बहुत कमाल की कैमराडरी आपकी दिखती थी जहन में कोई ऐसी बात जो हमेशा रहेगी ये 25 दिन तक ये इंटरव्यू चल सकते हैं अगर सतीश जी पे मैं बात करना शुरू करूँगा मैं सतीश और अनिल हम 40 साल से दोस्ती निभा रहे हैं सतीश अनिल विदेश में हैं अनिल कपूर साहब उनका भी बहुत ही डेवस्टेटेड सा फ़ोन आया मुझे और हम जब दो कोई भी दोस्त साथ होते थे तो तीसरे की बुराई करते थे अगर मैं और अनिल साथ हैं तो सतीश की बुराई करते थे सतीश और अनिल साथ में होते थे तो मेरी बुराई करते थे और बुराई जो है वो बड़ा पॉजिटिव समझा जाता था तो मेरी माँ उन्होंने बोली कि भाई तुम आ जाना तो उस दिन आए नहीं थे उस दिन रात को फिर खाना खाया कल फिर मेरी बात हुई थी सुबह भी हमारी रोज़ सुबह हमारा ये होड़ लगी होती थी कि कौन पहले फ़ोन करेगा कौन जल्दी उठ के फ़ोन करेगा एंड ग्रेट फादर इज़ अ ग्रेट फादर एंड वंशिका छोटी है आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट मीडिया टू गिव देम द
प्राइवेसी एंड द डिग्निटी दैट ही डिजर्व्स। एंड मैंने आपसे इसलिए आके बात की क्योंकि एक आदमी को बात करनी है, ज़रूरी है, और दैट्स इट। और क्या कुछ अनुपम सर, आप क्योंकि शुरुआती दिनों से सतीश जी के फ्रेंड रहे हैं, क्या कभी उन्होंने मेडिकली कोई शिकायत आपको कभी कही है? ऐसे तो मेडिकली कोई शिकायत तो किसी किसी को, आप जहाँ पर जितने भी हैं आपने किसी को तो कोई मेडिकल शिकायत, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग। इट्स जस्ट दैट इट हैड टू हैपन, अनफॉर्चुनेटली इट एंड इट हैपेंड। एंड वी ऑल केम फ्रॉम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज एंड मेड इट अपने बलबूते पे। यहाँ हमने अपना नाम कमाया, मेहनत का नाम कमाया। अभी उनकी फिल्म अभी कंप्लीट की है कागज़ टू, दूसरी फिल्म बनाने की सोच रहे थे साथ में, नाटक करने की सोच रहे थे मेरे साथ। हमने कहा यार दो लोगों का नाटक करते हैं, दो यंग लोगों का नाटक करते हैं। एंड दैट्स इट, इट्स नॉट थैंक यू सर।